महाराज सज्जेक जनरल सेक्रेटरी AR अंजारिया साहब, उनका मानपुर विधानसभा में हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और जो आने वाला विधानसभा है, यहाँ पे हम उनसे एक मांग करेंगे कि एक हमारे को मानपुर विधानसभा में एक अच्छा से अच्छा कैंडिडेट दिया जाए। जो लोकसभा का हमारा यहाँ इलेक्शन हुआ है, जिसमें हमारे जो मतदान 17,800 वोट जो आए हैं, तो इसके लिए हमारे वंचित के कार्यकर्ता, हमारे सारे कार्यकर्ता और संगठन ने ये मांग किया है कि भारी बहुजन महासंघ वंचित बहुजन अगाड़ी से 171 में एक अच्छा कैंडिडेट हमको दिया जाए। और एक ये जो रैली का मकसद है, तो हम लोगों ने एक माहौल बनाना चाहा कि जो आने वाला विधानसभा है, तो वंचित के एक महा रैली सभा यहाँ से निकले कि लोगों को भी यहाँ मालूम पड़े, जैसे कांग्रेस और BJP है, तो वंचित बहुजन अगाड़ी भी यहाँ मौजूद है मानपुर विधानसभा में। मेरा नाम तुफैल अहमद सिद्दीकी, मैं भारी बहुजन महासंघ का मुंबई उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, डॉक्टर AR अंजारिया साहब मुंबई के जनरल सेक्रेटरी है वंचित बहुजन अगाड़ी के, उनके स्वागत के लिए हम इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं। वो आने के बाद फिर हम लोग अपना प्रोग्राम चालू करेंगे, हमारी बाइक रैली उनके स्वागत के लिए। बस थैंक यू। आने वाले विधानसभा चुनाव में वंचित अगाड़ी पार्टी किस तरह से अपनी तैयारियाँ कर रही है पार्टी में चुनाव को लेकर? ऐसा है कि वंचित बहुजन अगाड़ी तैयारी नहीं कर रही है, महाराष्ट्र की जनता तैयारी कर रही है कि अब की बार वंचित सरकार, क्योंकि अच्छे दिन जो है वो सिर्फ वंचित ही लाएंगे, वंचितों के बेटे ही लाएंगे अच्छे दिन लाने के लिए। बाकी जो मोदी जी ने सपना दिखाया था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं, वो शब्द थोड़ा सा गलत हो गया था, सिर्फ बुरे दिन आ गए हैं। मंदी आ गई है पूरी दुनिया देख रही है कि हम लोग मंदी में कहाँ पहुँच गए हैं, GDP हमारा गिर गया है, गारमेंट सेक्टर कहाँ चला गया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ चली गई है, क्या हालत है देश की, वो लोग देख रहे हैं। तो वो अच्छे जो है वो शब्द, वो बुरे दिन की जगह अच्छे शब्द हो गया था, अच्छे दिन आएंगे और ये वंचितों के हाथों से ही आएंगे। तो आपके मुद्दों को लेकर जनता वंचित अगाड़ी पार्टी से आप दावेदार हैं यहाँ से, तो आप किस तरह चुनाव में उतरेंगे, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर उतरेंगे जनता के बीच? मैं वंचित बहुजन अगाड़ी का एक कार्यकर्ता हूँ निष्ठे, और हमारी पार्टी, हमारे साहब, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर साहब जो हमें ऑर्डर देंगे, इसको भी वो करके देंगे। एक दावेदारी किया हूँ और उसका एक दावेदार हूँ, और मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मौका दिए, हमारी पार्टी ने अगर हमको मौका दिया, तो इंशाल्लाह इस एरिया को, जिस तरह से आज ये ब्लैक लिस्ट में चल रही है, जैसे गोंडी वेस्ट है, इंशाल्लाह उससे भी खूबसूरत इस गोंडी को हम बनाने की कोशिश करेंगे, अगर मुझे बाला साहब ने हमको वो दिया। अगर नहीं दिया तो हम एक कार्यकर्ता बन गए, जिसको भी बाला साहब देंगे। सिराज रशीद खान वंचित बहुजन अगाड़ी से जुड़ा हूँ, कई दिनों से जुड़ा हूँ, और मैं जब भी यहाँ आता हूँ गवंडी में, तो मुझे यहाँ के आमदार अबू आसिम आज़मी जी की कई डायलॉग्स याद आती है, कि उन्होंने कहा था कि मैं कब्रिस्तान के लिए, तो कब्रिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ की आवाम जो है वो डंपिंग में जी रही है, गंदगी में जी रही है, जिस गली में आप चले जाओ कीचड़, कचरा और तमाम गंदगी। यहाँ के बच्चे जो है स्वास्थ्य से एकदम मजबूर है, उनको बीमारियाँ फैली हुई है, और इस तरह की, और वो हमेशा यही बात करते रहे कि कांग्रेस, और आज वो कांग्रेस के साथ चले गए। तो मैं माननीय आमदार जी से ये पूछना चाहूँगा कि आप हमेशा कांग्रेस की बुराई करते रहे, और आज आपको कांग्रेस इतनी अच्छी लगने लगी, आप कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, हमेशा आपने बुराई की थी, तो आप अगर कांग्रेस की गोद में गए तो ज़रा ये भी पूछिए कि हमारे मासूम बच्चे जो टाटा और पोडा के सिलसिले में फसादात में उनको बंद किया गया था, जो लड़का जवान बंद हुआ था, वो 55 और 60 साल की उम्र में बाहर आया है, उसके इतने दिन जो गुजर गए जेलों में, उसका हिसाब कौन देगा? आप दोगे? माननीय आमदार जी, आपने हमेशा कांग्रेस की बुराई की है, मैं आपको डायरेक्ट टारगेट करता हूं अबू आसिम जी, आपने हमेशा कांग्रेस की बुराई की है, और आज आप कांग्रेस से हाथ मिला के उनकी गोद में बैठ गए हो। इंशाल्लाह आपको यहाँ की जनता आपकी औकात दिखाएगी, आपको अपने मुकाम पे, आपको अपने ठिकाने पे पहुँचाएगी। यहाँ की जनता बहुत बिखरी हुई है, और वंचित बहुजन अगाड़ी मुंबई में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हम पूरी ताकत से जीतेंगे, और इंशाल्लाह हमारा मुख्यमंत्री जो होगा बाला साहेब अम्बेडकर होगा, ये हमारा निश्चय हमने किया हुआ है, ये हमने तय किया, एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता इस पर काम करेगा। जय हिंद, जय भारत।